सब्सक्राइब कीजिए यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पे आप सब लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक फ़ोन आया नोकिया 105 RM1133। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, चार्ज नहीं हो रहा है। ये देख लो दोस्तों, चार्ज नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक देखते रहिए। ये देख लो दोस्तों मॉडल, डबल 1133 माइक्रोसॉफ्ट नोकिया। तो देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा आईसी नज़र में आ रहा होगा आपको, इसको रिमूव कर दो। और एक दिखाई दे रहा है थोड़ा सामने, इसे भी रिमूव कर दो। सिरेम अप करके एक जम्पर लगा दे। दोस्तों उसके बाद एक बार बैटरी लगा के देखते हैं हो गया कि नहीं। दोस्तों फिर भी नहीं हुआ तो क्या करना है, एक बार चार्जिंग कनेक्टर जो इससे चेंज करके देखते हैं। अगर आपका ये दोनों डायोड रिमूव करके इससे पहले जम्पर लगा दो, इसे रिमूव करके देख लो नहीं हुआ तो और कुछ मत करो दोस्तों। ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसे चेंज करके देख लो, हो जाएगा आपका काम। तो मुझे भी लग रहा है ऐसा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने से भी हो जाएगा। तो देखते हो कि नहीं।
अभी देखते हैं दोस्तों हो गया कि नहीं, अभी लगा सकते हो। ये देख लो दोस्तों पूरे ओके हो गया। तो अगर मेरे वीडियो देख के आपका अच्छा लगे, आपका कोई काम आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट में बता दीजिए मेरे वीडियो को कैसे लगा, और एक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।